guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine and staying safe at home. आज मैंने अपने इस वाले रूम को एक नया लुक दिया है, सो आई थॉट मैं आपके साथ इसको जरूर शेयर करूं. ड्यू टू कोविड हम सबका मैक्सिमम टाइम अब घर पे ही जाता है, तो घर की एक ही सिमिलर सा बैकग्राउंड, सिमिलर चीजें, सिमिलर कर्टन, सब कुछ देख देख के मन मेरा एकदम बोर हो चुका था. सो आई थॉट टू गिव इट अ चेंज, और बिकॉज घर का सारा कुछ एकदम मॉडर्न सा लुक था, तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ चेंज एंड ट्राई समथिंग एथनिक एंड ट्रेडिशनल. सो एक ट्रेडिशनल लुक मैंने दिया है. क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से परचेज की है सारी चीज मैं बताने वाली हूँ, किस तरह से चेंज किया है, जो भी चीजें हैं सबकी डिटेल सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा. सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लुक एंड टू एवरीथिंग इन योर हाउस, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बिना मिस किए हुए. सो विदाउट एनी लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. लेकर के आ गई हूँ एक हॉल. हॉल है, छोटा सा हॉल है, इसको पूरा देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग हॉल है. बिकॉज ये एक मेकओवर हॉल है, आप लोग को मेकओवर हॉल्स बहुत पसंद भी आते हैं. सो मैंने जो जैसा कि आपको बताया कि अपने घर का एक रूम है उसको मैंने थोड़ा कुछ चेंज किया है. अराउंड 6-6.5 साल से सेम कर्टन्स और सेम टाइप के बेडशीट्स, हम बेडशीट्स जो मंगवाते भी थे एक ही टाइप के मंगवाते थे, कभी वो चेंज नहीं करते थे, और इसके साथ ही टेबल कवर्स और जो भी चीजें तो एक जैसी रहती. इस बार मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, और नया ट्राई किया तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही बनता है. सो सबसे पहले जैसे कि आप मेरे आसपास सारा कुछ देख सकते होंगे एकदम सिमिलर लग रहा है, तो मैंने एक जैसा सब कुछ एकदम मैचिंग मंगवाया. इस रूम के जितने भी कर्टन्स थे, बेडशीट, सारा कुछ एकदम मैचिंग सा है. सो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, सो ये बेसिकली राजस्थानी काम है. सारा कुछ जितना भी है प्योर कॉटन मटेरियल में है, और सारा कुछ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, विच लुक्स जस्ट अमेजिंग. एक ट्रेडिशनल टच आ गया है इसके साथ, तो बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. और आप जैसा कि देख सकते होंगे कि जो हमारी बेडशीट है और जो कर्टन्स है वो एकदम मैचिंग है, सेम प्रिंट, सेम कलर, सब कुछ एकदम सेम. सो अगर ऐसा कुछ आप भी चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से मंगवाई है जिसका नाम है एथनिक राजस्थान. इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, जो परचेज लिंक्स होगी जहां से मैंने इसको लिया था, आप उसको भी चेकआउट डेफिनेटली कर लीजिएगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. इस तरह की बहुत 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 सारी चीजें आपको इनके पेज पे मिल जाएंगी. जो इसके पिलो कवर्स हैं वो बहुत बहुत ही बड़े हैं, और कॉटन मटेरियल की बात की जाए तो कॉटन बहुत तरह की क्वालिटी में आता है. ये बहुत बहुत ही फाइन मटेरियल है, अच्छा मोटा वाला कॉटन है, बहुत पतला वाला जो खराब हो जाता है उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है. ये बहुत अमेजिंग है. सो इसीलिए, क्योंकि मैंने जब मंगाया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सो इसीलिए आई थॉट कि आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है. ये वाली पर्टिकुलर डिजाइन सांगनेरी प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बट बिकॉज घर में हमेशा सारी चीजें मॉडर्न थी तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया. बट कुछ भी ट्राई करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, फटाफट से आप भी उसको ऑर्डर करिए और इसको मंगा लीजिए. और इसमें बहुत कलर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिजाइन ऑप्शंस हैं. आप जब वो पेज विजिट करोगे तो आप वहां पर देख पाओगे. मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर कौन सा मंगवाएं, बट पहले ट्राई करने के लिए आई थॉट एक ही डिजाइन मंगाते हैं, उसके बाद और कुछ ट्राई करेंगे. बट बहुत कलरफुल बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और ये जो बेडशीट है वो किंग साइज बेडशीट है, ऑल्दो जो हमारा बेड है वो क्वीन साइज बेड है, बट मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप किंग साइज बेडशीट ही लेना प्रेफर करें. बिकॉज किंग साइज बेडशीट जब हम लेते हैं तो प्रॉपर अंदर तक टक इन जल्दी से हो जाती है और निकलती नहीं है. अगर बेडशीट थोड़ी भी छोटी होती है तो इधर उधर आप बैठिए तो वो तुरंत निकलने लगती है, फेवे लगते हैं, जल्दी से उसको सही कर दिया जाए. और जब बच्चे हो तब तो ऑल द मोर डिफिकल्ट हो जाता है कि सारी चीजें हमेशा खराब रहती है. सो इसलिए किंग साइज बेडशीट आप भी प्रेफर करिएगा कि आप किंग साइज बेडशीट ले लीजिएगा. अगर कर्टन्स की बात की जाए तो ये जो कर्टन्स हैं ये 8.5 फीट के मैंने लिए हुए हैं, ये फुल डोर कर्टन्स हैं. मैं विंडोज पे भी फुल डोर कर्टन ही लगाना हमेशा प्रेफर करती हूँ. इसके पहले भी हमने
फुल साइज के कर्टन्स लगाए हुए थे विंडोज पे भी, ताकि दोनों सिमिलर और अच्छा लगने लगे एक ही जैसा। आप चाहे तो विंडो कर्टन्स भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आप इसके साथ और भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक दो ये और बीच में कोई डार्कर शेड इस तरह का या प्लेन टाइप का कुछ ले सकते हो, वो भी ट्राई कर सकते हो। बट मैंने इस बार सोचा था कि बेडशीट और कर्टन्स मैंने मैचिंग अभी तक कभी भी नहीं लगाया था, सो इस बार मैंने इसको एक ट्राई दिया है। बात करते हैं तो कर्टन्स मैंने इस समय सिर्फ दो कर्टन्स लगाए। इसके पहले जो कर्टन्स मैंने लगाए थे वो तीन कर्टन्स लगाए थे, तब जाकर के ये पूरी विंडो कवर हो पाई थी। और बट इसमें प्रॉपरली दो कर्टन से हमारी विंडो पूरी कवर हो गई है। क्वालिटी अमेजिंग है, जैसे कि मैंने आपको बेडशीट के लिए बताया, कर्टन्स की क्वालिटी से मैं बहुत ओवर सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और पर्टिकुलरली जो कर्टन में रिंग्स होती है जो हम पाइप में डालते हैं, उसके साथ जो बकरम लगा होता है अक्सर वो एकदम पतला टाइप का होता है और फर्स्ट वॉश के बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसके पहले वाले जो हमारे कर्टन थे 6 साल से चल तो रहे हैं, बट अब वो चेंज करने का टाइम आ ही गया था। और इसमें जो ऊपर की क्वालिटी है वो काफी मोटी और काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी की दी हुई है। आई एम श्योर आप भी जब इसको लेंगे तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और सेटिस्फाइड होंगे, बिकॉज क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है। वो है ये टेबल कवर, डाइनिंग टेबल का ये कवर है। मैंने बहुत बार टेबल कवर्स मंगाए हैं, बट वो बहुत ही फुल साइज का भी डाइनिंग टेबल कवर मंगाने के बाद भी वो छोटा पड़ जाता था। बट अगर इसकी साइज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत नीचे तक है, साइड में भी अच्छी डिटेलिंग दी हुई है, पूरा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम है इसमें। और एकदम थोड़ा इसमें मैंने झटाक झटाक टाइप का कलर लिया हुआ है ताकि एक अलग सा लुक आ जाए। मुझे कैंडल्स लाइट करने का बहुत शौक है और कैंडल्स के साथ ये और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसमें बहुत 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 सारी वैरायटीज हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने सेम इंस्टाग्राम पेज एथनिक राजस्थान से मंगाई हुई है, आप उसको जाके डेफिनेटली ट्राई करिएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें मंगाई थी, आई थॉट व्हाई नॉट आपके साथ इसको शेयर करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये सुंदर सुंदर सी चीजें सारे लोग मंगवा करके और अपने घर पे इसके मजे ले सकें और अपने घर को एक नया लुक, नया अवतार दे सके, जैसे कि मैंने किया है। थोड़े से चेंजेस से काफी ज्यादा सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन सारी चीजों में से आपकी फेवरेट फेवरेट चीज कौन सी थी, कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी। एंड गो विजिट देयर पेज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।